लिंग का टेढ़ापन है तो क्या करे, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई और अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। कभी सारे लोग हमको एक तो ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं या व्यक्तिगत आते हैं और वो लिंग के टेढ़ापन के बारे में बातचीत करते हैं। देखो, लिंग का कठोरता, लिंग को कठोरता आने के बाद में ऐसा वो 90 डिग्री के एंगल में ऐसा स्ट्रेट नहीं रहेगा ना, वो तो एक तो लेफ्ट बाजू में रहेगा झुका हुआ या राइट में रहेगा, थोड़ा सा ऊपर रह सकता है, थोड़ा नीचे रह सकता है। लिंग की कठोरता आना महत्व का है। लिंग कठोर होना चाहिए, इरेक्ट होना चाहिए और कड़क होना चाहिए, वो जरूरी है। लेफ्ट में टेढ़ापन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एकदम लड़कों को ये बोलता हूं कि आपके अंडरवेयर और आपके पैंट कैसे पहनते उसके ऊपर है। ज्यादातर लोगों का लेफ्ट की तरफ टेढ़ा रहता है, क्योंकि वो जब पैंट या अंडरवेयर पहनते हैं तो वो लेफ्ट में रखा रहे, तो जब लेफ्ट में रखा है नॉर्मल इसमें, तो एक जैसा उसको हैबिट बन जाती है और यहां से प्रेशर आते 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 थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुकाव हो जाता है। तो लेफ्ट की तरफ है तभी प्रॉब्लम नहीं, राइट की तरफ है तभी प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि काफी सारा बहुत ही बेंड हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ऐसा इतना बेंड है ये बाजू या ये बाजू, तो देखना पड़ेगा कि फाइब्रोसिस है क्या, और फाइब्रोसिस यदि है तो थोड़ा लूज करना पड़ेगा, स्ट्रेटन करना पड़ेगा फिर उसको, ज्यादातर रहता नहीं, तो वो एक आपको तपास के देखना पड़ेगा कि भाई फाइब्रोसिस है क्या। अदरवाइज ऐसा थोड़ा टेढ़ा है लेफ्ट के तरफ राइट के तरफ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग बोलते टेढ़ा है करके आते हैं या छोटा है करके आते हैं, तो छोटा मैंने पहले कुछ वीडियो में बताया हुआ है कि एक इंच से छोटा है तो समझना छोटा है, नहीं तो छोटा नहीं है। इरेक्ट होने के बाद में, मतलब कठोर होने के बाद में, 4 से 6 इंच के बीच में भी वो है, मिनिमम 4 इंच या 6 इंच, ज्यादा से ज्यादा तो ठीक है, बराबर है। 6 इंच के ऊपर बहुत कम लोगों का रहता है, तो इतना यदि आप देखते हैं तो आपको तकलीफ नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, विचार नहीं आएंगे और उसमें आप मशगूल नहीं हो जाएंगे, वही विचार और फिर डिप्रेशन, नर्वसनेस, एंग्जाइटी, फिर शादी नहीं करना, टेंशन आना, सब ये बीमारियों से आप दूर रहेंगे। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके दोस्ताने में शेयर करो, आपके ग्रुप्स के ऊपर शेयर करो, ताकि लोगों को नॉलेज मिलेंगे और लोग एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये बीमारी से दूर रहेंगे और अपना लाइफ नॉर्मल तरह से जिएंगे। थैंक यू वेरी मच।